जो खुद का करवाना है वो करती नहीं, दूसरे लेके चेक करा। हाँ जी, राम राम सारा ने, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने एक और नए व्लॉग में। और कई देर हो गए, मैं उठ ली थी, पोछा झाड़ू कर दिया है, जो कपड़े रात ने धोए थे वे धूप में सुखाऊंगी, और फिर आज आई थिंक टू आईलैंड जाऊंगे मेरे सिर की। कल रात ने ठीक नींद आई है, रात ने ठीक नींद आ गई थी, आई तो लेट लेकिन रात ने ठीक नींद आई, नहीं तो रात ने खुल जाती आँख, सिर दुखदा पाँदा। तो आज आँख टेस्ट करवानी है और बेरानी और के जीत के आए खून खान टेस्ट करवा लेंगे, मैं ठीक है थोड़े बहुत। अब तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसने दबा के ना मेरे चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो ने आगे भी पहुँचा दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो मेरी ताई देखने लग रही तो आगे मामे फूफा दौरे पहुँचा दिया करो, जो मेरी बेबी देखने लग रही है तो अपनी फ्रेंडा दौरे भेज दिया करो, सारे भेज दिया करो, ठीक है। तो फिलहाल मैं कपड़े सुखा जाऊँ और जीत ने फिर आके जगा देंगे, क्योंकि जल्दी चल पड़ाऊँगी तो जल्दी आ जाऊँगी। दूसरा ठंड भी है, बाइक पर जाना महाभारत है, ताऊ भी कराए हैं, ताऊ कह रहे हैं गाड़ी में चले जाओ, लेकिन उसका है टाइम लग जाए, कितना के टाइम लग जाए। तो फिर जीत बोले कि ना बाइक पर चले जाओगे, कपड़े मैं बाद में सुखाऊंगी, ताऊ कह रहे पहले एक बार चाय बना ला मेरी, फिर सुखा दी कपड़े। तो थोड़ी सी पत्ती बोला है, थोड़ी सी चीनी बोला है, थोड़ा सा नून बोला है, थोड़ी सी अदरक बोली है, थोड़ी सी सौंफ बोली है, एक नंबर की बिना पिए एक नंबर दे दिए, रंगो बता दिया है। खाई में जीत कहता उठ रहे हो हरियाणा में खास आदत नहीं हो, सुनोगे सुनोगे सुते थे कि उठे अट्टे दिखन ला रहे, फिर भी मैंने पूछना है उठ रहे हो। ओ मैं तो नह लिया, मन हो गया आधा पौना घंटा, जो ही पाछे मैंने कॉफी बना के पी ली, और मैडम जी की हेड मैडम जी की तैयारी नहीं हो गई देरी, कोई परला बैठे फूल है, कोई उड़ला बैठे फूल है, दो तीन फूट कैडे उल्टे फिर दर दिए, लंबारी में कैडे थे उल्टे फिर दर दिए, डॉक्टर का जाना सुटा की तैयारी नहीं होगा जेरी, इतने डॉक्टर का उठने का टाइम होता सारियों लगाइया का न्यू काम हो मेरे नहीं होगा, इतनी लंबारी भरी पड़ी है, वो भरे पड़े न्यू का है ही बनो बेटा। यार बाइक पे जाना है, ठंड लग गई, नू भी तो देखो नहीं कौन सा मोटा कौन सा पतला है, उसमें तो कैड दो थोड़े दिन पहले ही पहरा था मैंने, फिर एक दो पजामे पहर ले कोई भी एक नहीं है, तुम खुद देख लियो मन तैयार हो ना, कितनी देर होगी जाना अस्पताल में, मैडम जी की तैयारी नहीं होगा तेरी, लग बाला श्याम पर लग रही है वो शीशा के चढ़ी जाएंगी, फिर छोरी की तैयारी मनु है टाइम लगेगा, अगर भी तुम मेकअप करना भी रह बाल वाला ये हो गई तेरी बिल्कुल ठीक हो, ये देखो ये डार्क सर्कल से हो रहे नहीं है इनकी, मना लाई नहीं करी क्या बोल कदे भूल जो कदे लगा इसकी मनावा मंगा रखी है, इसका के दवाई भी धक्का दे से देनी पड़े सारे जो भी है प्रोडक्ट मतलब कुछ भी दवाई तो ये सारा तो तनु वो करना पड़े, इस क्षेत्र में एक वो मंगा रखी है देख क्या कंपनी की है वह अंडर आई क्रीम, मतलब अपने या सोई सी नहीं हो जिगर उरा एक तो वह खत्म कर देगी वह, और जो डार्क सर्कल है वह तो बिल्कुल खत्म कर देगी, ले ले मंगाए कहे तरक्की है। देखो यह है वह देख गया कि अंडर आई क्रीम, इससे लगाना तो इतना आसान है नहीं, बस अपनी आई के नीचे जड़ों को डार्क सर्कल है ओड़ो को लगा ले डॉट 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 डॉट, और फिर दूसरी पे भी लगा ले डॉट 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 डॉट, ये लगा के ना, और फिर बस दो मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से मसाज कर ले, अपना आप या सूख सी जाओगी स्किन में मर्ज हो जाएगी, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं, बस मैंने आई थिंक हाँ तीन बार यूज करी है और मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए थे, काले सी जो नहीं आगरा था नीचे को बहुत ज्यादा हो गई थी, और कितना फर्क पड़ रहा है सारी चीज इस तेन वही है, दवाई पड़ा चाहे दवाई लेनी हो चाहे गोली बट्टी हो चाहे किवें हो इवे लगा ली मेकअप जाए तो इस मैं रात में लगा दी थी सबके टाइम मेकअप ना छोड़ दिया चल ओ ले ले चल इसकी एलोवेरा ले ले इसका मैं पूरा वो मंगवाया था मतलब पैकेज वो है जो इसमें लिप बाम है बॉडी लोशन वगैरह कई चीज है और एक है एलोवेरा जेल है, एलोवेरा तो आपने बेरा ऊं भी अपनी स्किन खेतर बढ़िया हुआ है तो वही ले ले अच्छा रहेगा। देखो ये है दिग्या का एलोवेरा जेल, यो बस आप स्किन पे जो क्रीम यूज करा अगर एक करना होगा मैंने आधा यूज भी करा क्या है, और बिल्कुल नेचुरल है इसका, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है स्किन खातर, वैसे भी एलोवेरा तो बहुत अच्छा और नेचुरल से प्रोडक्ट है सारे, बस मसाज कर लो पूरी स्किन पर दो तीन मिनट अच्छे तरीके से, निकल के बाद तो मेकअप करने की जरूरत को नहीं होती, वैसे भी धूप तक भी प्रोटेक्ट करे आपने एलोवेरा जेल, अगर धूप में जाओ तो भी अच्छा हुआ है, एलोवेरा जेल मैंने लगा लिया आज मेकअप करने की टाड़े कर दू, लिप बाम और लगा लो बस दिख गया की, यह है दिख गया की लिप बाम,
बस यहाँ अंगली भर के ना और लिप पे लगानी है अपने अपने ड्राई से नहीं हो जे होठ हवा में पैट भी जावे है जमाए तो उठा पगा बस लिप गले लगा ले। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, सर्दिया में अपने ओठा ने अच्छे तरीके से बचाए रखा है। बस मेकअप हो गया कंप्लीट, अरे लास्ट स्टेप है देगिया का है बॉडी लोशन। गर्मियों चाहे सर्दियों बेस्ट प्रोडक्ट है यो। अपनी स्किन ड्राई हो जाए है जमाए सूखी सूखी सी हो जाए है तो स्किन ने बिल्कुल बचाए रखे है यो। देखो बिल्कुल सॉफ्ट हाथ कर दे है, बहुत नेचुरल से प्रोडक्ट है ये देगिया के। और ये जीत के दोस्त ने किसी दोस्त ने सजेस्ट कराया था तो उनने मेरे खातर डार्क सर्कल खातर मंगवाने थे लेकिन हमने सारे प्रोडक्ट मंगवा लिए थे। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, काफी दिन तक मैं यूज करने लगा हूँ। अगर आपने भी मंगवाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखे, आप उड़ा जाके चेक कर सको हो, इन्हें देख सको मंगवा इसको। ये भी इतनी देर हो गई है, अरे इनको तैयार नहीं होगा देरी, इसका मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा, अरे टुआने जाने खतर लेट होने लग रहे हैं। टाइम हो लिया है 12:11, 12:15 हो गए, छेती छेती हो जानी तैयार है, आप तेन ले जाना आज छेती। ये मेरे सिसाई तो जान के दिन भी नेड़ा रहे है दोस्तों। फालतू की अफवाहों पर मेरे मित्रगणों मेरे प्रियजनों बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। कौन जान दे इसका तो पैरों में नहीं ना है मायू उड़ने के मोटरसाइकिल पे बैठ कौन लागे की देखो टोपा को नहीं उड़ती है तब ये सकते चुन्नी मैं रही जाए ऊपर को उड़ ले जाटा का बतने हाँ नू उड़ ले कई बार स्किन नहीं जरूरी है कपड़े सेहत जरूरी है ना फिर माँ अच्छा नू कौन उड़ते हैं टोपा नू है अरे वो भी हो जाएगा नहीं बोले बेटे माथे में करने का बाल कौन लागेगी इस कपड़े को हाँ फिर सुतरी लाग गया सही है देखिए सुतरी लाग गया फिर चल 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 थोड़ी हाँ स्किन यूं नहीं निकली खत्म हो दिया आज कह लेंगे सिरे टंगी बिरे नहीं कड़ा था हमें ये इधर अटलो मैंने शीशा देखा शीशा कौन देखना चल मैंने देख ली सुतरी लाग गया यार मजाक कर लेगे मेरा बो उन्हें कह देगी करण दे कौन नहीं सूर चल तो यो पैर ले सुतरा लागण लग रहा मोटा है गाम ते निकट दे आपकी कसम सच में गाम ते निकट दे किमे होता है के मन्ने जरा मारना आण दे ना ई रोड़ा होगा इस बात पे फिर हूं तो को मेरा सिर दुखा फलानी हो ये स्किन नहीं जरूरी है बकवास कर हूं दिमाग लग रही खराब करण ठीक होगा पैर ले ने इस पर ना उसमें तो पैर लगेगी मैं तो आप पाड़ा पैर कौन खाए पैर दिन टोपा पैर ले लेकिन ती सेहत तो जरूरी भी स्किन नहीं होगी पैरों दिन दी यूं सारा दिन पड़े रहेंगे फिर सिर पकड़े नूह है मेरा सिर दुख है जी ठंड तो नहीं हो बच्चों के दुख है फिर पैर ली बे पैर उठो तो ले पिछना वो नहीं पसंद आया नहीं भाई उल्टा ही उड़ दूंगी ये की करना है और साथ में ले यार इनको ने यू सोदा यू की है टुआने जाएगा मेरा लाग गया था उन्हें किश्ती कौन गवा बुंडा लाग गया सुतरी लाग गया जमा बस ऊपर को चुन्नी कर ली थी सारे नु कह देंगे जीत की बू कही जाएंगे मेरे तक कंधे होंगे ठीक है मेरी बहू ने तो कोनी सूर पैर ले बस देखिए सुतरी लाग गए गद्दड़ की सही है जमा ओढ़ लिया खुश खुश है और खुश के बेटी जाडा जाडा है और जाडा है मोटरसाइकिल पर तो लाग गए ठंडा मास्क कड़ा मेरा मास्क ले ले ऊपर तक नीचे तक पैक हो गए फिर मेरे मेहमान को कान्ना पे तो नहीं बैठ लग गई ओड़ को तो बैठ मास्क लगा लूंगी हाँ ठीक है आपका क्या मिला ना अनार और क्या मिला एक अनार है सारे खाए गए मैं ये ले ली वो ड्रेस सी डोन आ गया डोन ये आवाज इसने तो रिंगवा चढ़ाएंगे इतना समय ज्यादा
रंग का फर्क है इनमें ना, साइज में भी फर्क है। तो उन्होंने कौन से सही लेके आप बताओ। मेरे नाम ये दो ही सही है पूरा। तो वो कर लिया रिंकू का चढ़ गए चश्मे। कितने नंबर गए? आधा नंबर गए। पर एक बार मैं जो जनरल ओपीडी में डॉक्टर हो गया ना, मतलब सारा सोचा का, तो उस पर जावांगे आज या गरज के, क्योंकि कदे चश्मा वाला सिस्टम हो या चश्मा वाली भी दवाई यार वो दिखाया जाएंगे उसका एक बार पर्चा, वो भी बता देगा अपना कि एक बार पर्ची एक रुपये ला गएंगे। तो सलाह तो ले लिया कदे घर जावा चश्मे चश्मा की उसमें रही जाए फिर फिट लग जाए। वेट में बैठे हैं पूरे टाइम लग गया है बेरिंग को आराम करने में। मैं तो पेशेंट में हूँ यार। आपको तो अरे मेरे तो सामान पकड़ा रखा है भीतर डॉक्टर को जावा पर्ची ठहरे सामान मेरे तो पकड़ा रखा है। शान ही ना मैंने ये बताया था ना, वो तो परली कुर्सी पे था उरली कुर्सी पे ले आई है बेटा। फिर ले आई मैं क्यों ले आई? हरी कुर्सी का ब्लड टेस्ट करें थे ब्लड तो सुई लगी भी नहीं पहला नहीं लगी तो इतना लंबा सुआ था सारा भर के कैच किया मैं। कितना कट दवा देता इसमें तो ले ली हमने दवाई अब तक ही दी है उसने नहीं। हाँ दवाई ले ली कि इसके दिक्कत थी कि नहीं वगैरह जाएगा बताओ तो मैं भी जाऊँगा एक बार मार्केट में। रिंकू ने इसके एक ड्रेस तैयार करानी किसी की है वो तो हमने मेरा बैग दे दिया फिर बाद में। पहले एक बार उस बूटी गाड़ी दे दी के चलना फिर आज फाइनली रिंकू ने पे गए रास्ता में जाऊँ फिर बस दीख के तो महान ले लिया खराब हो जाएंगे घने लेवा जी ले लिए। रिंकू को है थी 10 के ले लियो बस 10 के 100 ग्राम दे भाई मैंने कराए दी आध किलो वहाँ जो खराब नहीं हुई तो सही पड़े रहेंगे कैमरा फिर पावे नहीं पावे ना ये गरमशाला जीरा जी फ्रूट में डालेगा अंकल पे मैंने थोड़ा ये और मसाला ले लिया फ्रूट में डालने खातिर गरम अमरूद अमराद अनार अनूर कड़े सी लगा जीत नु पूछ रहा कड़ा रेडी लगाया करो इबी से पान गई रात दिन का वेर मिल गए वेर जो खुद का करवाना है वो करती नहीं दूसरे लेग के चक्कर में देख लूंगा डिजाइन कुछ सभी जो तैयार कराना है वो बात चीत नहीं की होगी कपड़ा लेकर आना है और तैयार हो पाछे तो हम देख लियो पूरी ड्रेस। तो फिर उसे दुकान पे आ गया जड़ा तरिंकू ने एक बार क्या ड्रेस तैयार कराई थी उस टाइम। हाँ करवा चौथ वाली जो ड्रेस तैयार कराई थी उस पे आ गए पूरा पूरी दुकान पर ही है यार। रिंकू ने करानी है इसकी ड्रेस सीक्रेट ड्रेस सीक्रेट नहीं सीक्रेट कपड़ा लिया इसने ले ही बोर के लेना रह गया मेरा वो सूट का नहीं जो ही थोड़े दिन पहले थी मैं दुकान के मुहूर्त पे पहरा था उसका दुपट्टा पे दे दिया रिंकू ने इसकी ड्रेस बननी और किसी के बनवा किस तरह की हो कोई प्रोग्राम है उस खातर यह ड्रेस तैयार करने लग रही है तो उसी टाइम तक मैंने दिखाई देगी जब यह तैयार हो जाएगी फिर टाइम लग गया उसमें। तो जान आ रहे थे घरा लेकिन शुभम का फोन आया कि चाची शुभम का फोन आया नुगा चाचा टंटुआ तू आना जा रहा ब्रेड ले गई महा ब्रेड तो सिंपल जोन से मुझे करे महाले मुझे मंगावे मंगा मैं पै नहीं जाएंगे नुगा मुझे नहीं नुगा तुमसे कढ़ाई में बना मैं चक्कर में पड़ गया कढ़ाई में ब्रेड कौन से बना फिर समझ में आया चढ़े हुए ब्रेड है वो ब्रेड पकौड़े मंगावे वो तो एक बार उसके ब्रेड पकौड़े तैयार करवा ले और मैं एक प्लेट दही वो खा लूँ दही आलू बोलो। तो ये शुभम के तो ब्रेड लेवाए थे कल मैंने जलेबी तेरी दी तो माँ जलेबी खाई रहा माँ है तो जलेबी और करवाऊँ मैं पैक खाना बैठिए खाना देखो इसका दिखाइए ओ ला 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 ओ ला ला कर लिया दौड़ा सूट का नास। ये देखो इन कमाऊ के काम हेलमेट और चाबी और आराम से बैठे थे भीतर हैं मेरे यार ते हुंदे मैं भीतर टोन लाग रही अरमा खड़ा गई मैं भी मैं हेलमेट गिर गया खाली खाली हो रहा देखा तो आगे चाबी भी मैं देखा दो चीज हो गई नेबरिंग को लेन जा रही है अनार मां नाम दे टाइम कहता अनार ले आइयो खत्म हो रहे थे। मैं बनाऊं जीत खातर कॉफी कई देर हो गई थी हमने आया ने बस मानसून के अड्डा है मेरे वहां खातर लेके आया जलेबी अनार तो कोई भी खैस के है सब खातर है और बेर भी कोई भी खैस के है जलेबी भी कोई भी खैस के लेकिन मेरी माँ की मन पसंद है गर्म जलेबी मेरी माँ बहुत राज्यों की खाकर है तो मैं फिलहाल ही बनाए दू जीत खातर कि बना दू
कॉफी थोड़े ही तो नहीं है तो चाय भी नहीं मर लेगी। हाँ सच में निमला जनू ये रहेगी नहीं तू चाय भी नहीं मुश्किल तो कर दे इसका है मां माइग्रेन मतलब के वो एक रहे जुगर एक तो ज्यादा फोन दिखा है देखा जाता है चश्मे भी चढ़ गए जुगर मैं सारिया लेकर रखनी है दवाई दी है तीन टाइम लेनी है दवाई लेनी है इतनी ठीक है और की था हाँ इतनी ना कि मैं भी बैर गया चूरन चारनी है कुछ भी खाना ना ठंडी चीज खानी ना चाह पीनी सिर्फ दूध पीना ना लस्सी पीनी और खिचड़ी खानी और दलिया खाना खिचड़ी खानी दलिया खाना ये खुद तमिल आई मैं रोटी खानी हूँ तो खिचड़ी दलिया मैं बूढ़ी थोड़ी होगी तो पहले मैंने खिचड़ी दलिया सवेरे का गल पड़ रहा ना जली तैर वर्गे कमजोर आदमी बालका खतर को नहीं मारे वर्गे खैस कह बैरी खाना तो तम तो खा करो खिचड़ी और दलिया ले और जैन तो हुआ फिर तेरे कौन तेरे नहीं गया लाल होगा मैं इतने धोंदी को नहीं हूँ कि मैं ये तन का इलाज बताइयो सब्जी लागी मेरे व्हाइट सूट का तू करे भी नहीं उधर जमा दो नू ज्यादा बेरन लगना चाहिए मेरे में था मां 70 75 तो ये पूरे या बैठी है पराने मां बैठी है लग रही है तो ये पुत्र रहन कड़े में है सर हां कड़े गेडियो आप तो है आप तो दई पे थे सारियां कौन का था सारियां हां ये तो फिर मैं डॉक्टर बनना था डॉक्टर के गए है कुछ पहले सारी बीमारी बता दी तेरे या पाओगे तेरे या है तेरे या है यो खाना है तेरे यो खाना है तेरे यो खाना मचा लो फिर उल्टे जड़ा लानी है उड़ा ले लेने बाबा इनकी थोड़ा थोड़ा दिमाग दिए थोड़ा ठंडा दिमाग दियो है थोड़े मन तंग करना छोड़ दे तेरा टोपा पे गिली कर गया थोड़ा मन रोना छोड़ दे ये मेरा टोपन है ना देख के आगे आगे देख के लिख रखा है यू जी है यू एफ है गब्दू फैमिली ए राम इसने बुद्धि दी हो आज किसी का मेरे नहीं कमेंट आ रहा सब मेरे नहीं कड़ा पड़े था मैंने कमेंट करके था शायद किसी ने कि रिंकू वहां टोपा पे लिख रखा जी एफ यानी कि गब्दू फैमिली पुराना उरली साइड काम है एक अरे और काम है पुराना रैम जो क्यों हमने भी ऐसे सुना ही ये क्या है तल लिया रखे हैं उरे ये मैंने नो उधर दिए मैं फोन यूज करूंगी खोली एक बार खोली इसने डब्बे ने नो बोझ बेरा कितना हो जाए खा पर हां लगा हुई जुनिया सिर दुखना अटैगा सिर तो आप पे दवाई लूंगी जब ला 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 ला, ला। सुतरा लग गया तेरे कौन सा पुंडा लग गया मुझे पुंडा लग गया फिर आदत कौन नहीं सही है करियो लेकर है सही लग गया जमा फिर देख ले ए मां देख चश्मा कौन लांदी ना इब तो इब इसने दमकान दी मना दमका ही करे ओड़े बैठी बैठी नू घर ठीक बनाऊंगी मैं ले ले इब देख दांत लू से हाँ हाँ सही बात है मास्टर तो की बिस्ती अच्छी सुनाएगी मान लगा लिया फिर भी जान जान करके कहो थे तो आज हमने हमारी रिंग लाइट चेस लिया यो आप भी ये गरीब हम गाड़ में चक्कर काटने क्योंकि मेरे तरफ रोटी का क्या नहीं आज आज तो आंडूंगी तड़के पर डकार मंत्र पड़ जाओ मैं मेरे मेरे प्यारे मेरे देवता मेरे भगवान जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं और ये हम चक्कर काटा गाड़ में मैं आ गया चक्कर काट के मन ना करे बुर्श रिंग को लग रही है बर्तन धोने और माँ ये बीच का फोन चक लेगी और वो लोग वगैरह देखेगी है नी माँ वो ही मसाला है अर्जुन से रिंग कोड़ा दा पैक करा के लाई थी और ये जड़ी बूटी की गोलियां पड़ी है ये उरे काला लिया था वही है कि ये गोली मैंने तो मसाला मेरा चाट मसाला तोड़ दे रखा अरे एक पन्ना यू रे इधर है यो बेराम बेराम यो यो मसाला बेराम के नून है तो अरे यू ये काले की अरे एक बट्टी में अंदर ये एक मसाला इधर है यो यो जुगर अनार मगे ना हो या कि मैं भी और गंदा है मैं भी थी फिर बात है ये भी इस यानू बोली नुगे
कपड़े सिखाने काम है महा अच्छा और मैं उरा अपने भीतर तो कहा मानता को नहीं तो कपड़े कड़े नुगा जुई सी मैं समूस नहीं बंद चौड़े नहीं होगा जुई धूप लिखे नुगा उड़ा सिखा दे तो महा जब धूप लिखेड़ा धूप मैं बैठ को आगे सिखाने जाना पड़ा नहीं अपने आगे तो उड़ा तो बंदो नहीं रही है बिलंगनी सी मतलब तार सी तो उन्होंने भी नहीं सिखाए जा मैं उसकी जरूरत की है जरूरत की चीज बोली बात में हाँ जरूरत की कौन है फिर एक बार मेरी पापा बोली बात नॉर्मल बात चल रही थी ये नूह जी दिलाने लगे क्यों मंगा मस्त का यो फायदा है 20 बार तो ओड़ा काटड़ा बन जी है वो चैप जी है उसने ये तम गेड़ दे है फिर मेरी माँ उसने फेर रगड़ा है ठीक है उसका के है कि जुगर घर में हम घनी धूप है घनी धूप मापा ने कपड़े सुखाने ही कौन चाहे उसने चाहे रेतन धोगी ऑटोमेटिक रहेगी रेतन उस पर गेड़ दे सवेरे आंगन में सूखे पहन जी तो आंगन में भी लगता है पाचे इस पर सूख रहे है वो होंदा फटकने से उस पर गेड़ देंगे क्यों जो सही तांगने की जगह रही एक सिर्फ पोचे कारण है तो स्टैंड लेगा पोचे टाइम पोचे वो करने रेतन धोगे एक तो टब में गेड़ा हाँ एक इसकी बात में कोई पॉइंट मिलिया नहीं कोई पॉइंट लग गया नहीं फिर ये फालतू की जिद कर रही है उड़ा उस बात मैं अपनी बात पे अड़ी कुक कर रहा हूँ फिर खिजी हुई यार बर्तन उधर जाने थी खिजाओ मेनू क्या कह के क्या चिड़गी इस बात पे छिड़ो रही है मैं देखा आपको ही समय देखने जा रही वीडियो ई दक्कत चिड़ाना यो बात होली थी नहीं खत्म थी रो गए थे डिवीजन ए मां ते रोन लग रही है ना ए मन्नो का के गिरवा हो गया हमने मेरा तो मन चक्कू कर रही है कर रहा हूं रोई को नहीं मन रुआ दे फिर नोई फिर तुमने बता इस बात पे खिज क्यों रही है मुंह तक कौन लगता तेरा देख फिर मैं खिज रही हूँ फिर इस बात ने बंद करो भी तो क्यों करो ये देख खिज रही है बात ना काट दे तू हां जन्नू बे अभी खिज है ऐसा का अगर हुआ नहीं और बात कर ले ये फिर खिज क्यों रही है मैं तन्नू पूछो खिजने की बात तो को नहीं और बात छेड़ ले छिड़ खिज भी को नहीं क्यों इसका मतलब आपने खिजाने तो खिज रही है पहला कौन ही खिज रही खिज रही है ये क्यों और बात कर ले खिज आओ देखो क्या घुटे तो इवर सोई मरो क्या कहती फिर बता देखिए मरो बने बात कर दे तू इसने बात कर दे शब्द जो मैंने पहली बार सुनिया दपाई मेरी माँ बोली मैंने दपाई अंगूर खाए हो मैं कोई अंगूर की नस्ल है दपाई अंगूर दे के दपाई पाइया ये 50 ग्राम 100 ग्राम कितना है पाइया आधी किलो तो कम हाँ अरे फिर ढाई सौ ग्राम नू मेरा आधी किलो तो कम हुआ पाइया 500 ग्राम का पाइया और 500 ग्राम का आधी किलो और 1000 का किलो अरे दपाइया जो है यो कै ग्राम का है यो डेढ़ का अंदा का डेढ़ ग्राम का है डेढ़ का अंदा दपाई और डेढ़ का जीत कर ले दपाई है कि वो है भी क्या तो दपाई होता क्या तनी कोई हो है ले कोई हो है पर उसमें तो पाई है बता ता करे दपाई है क्या के अच्छा दो पाई मतलब पाइया का आता सही बात है मां की फिर हो गया 250 का आता करते हां फिर डेढ़ हो गया ना डेढ़ को 150 ग्राम होने लगा हो गया 125 ग्राम हां 125 दपाई मतलब पाइया के दो भाग करते दो पाई
यू कह रही है माँ बूढ़े ना छोड़ो माँ और कुछ बात चलो दिमाग घूम रहा है इनमें बस ये था हमारा आज का ब्लॉग फिर वो मैं फिर कंधे कंधे गए कहीं कहते वो लकड़ जाएगी मुंह मतलब आने दो मेरी माँ का नूरा कहते मेरा कहला मुंह मतलब ब्लॉग लिखड़ गया था कहते आज फिर कहते कहते बालक सच्ची में ब्लॉग करते गाना तो कौन आंदा भूल गई किसा लगे आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग किसा लगे भाई शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो शेयर कर दियो लाइक कर दियो शेयर कर दियो और कमेंट देख नू याद रखो पहले तो आप, देख, पहले तो पसंद करना भाई लाइक कर दियो शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो लाइक का मतलब भाई पसंद कर लियो हमारा वो लोग अपने मोलड़ पास हम समझाने लगे लाइक का मतलब पसंद कर दियो भाई हमारे पसंद करो उरा बराबर मानी एक बटन होगा पसंद का भाई तब ना किसा लग गया वो लोग बढ़िया लग गया या घटिया लग गया जे नू दबा देनी हो गुठा तो यो तो निशान है बढ़िया लगन का अरे गुठा नू है नीचन गुठा इसका वो दबा दे तो भी मार मार लोग घटिया लग गया ये कौन सा दबवाओगे यो दबवाओगे या यो दबवाओगे यो दबवाओगे कौन सा करीब दी बार कैमरा में करूं यू लग तलम ना ले जो इसने सीधा ना आज कहली बुढ़ी जानी बने से बाय कल फिर मिला अगला व्लॉग में।